मौजूद हैं। हसन रजा ये बताएगा कि आज नैब की टीम ने छापा मारा, उसके बाद वहां पर मौजूद रही, वहां पर काफी रेजिस्टेंस भी देखने में आई और फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर भी मौजूद था, फिर नैब चेयरमैन के साइन शुदा वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, ये आप चीज बल्कि ऐड कर लें, सिर्फ हमजा शहबाज के ही वारंट और अरेस्टमेंट जारी नहीं किए गए बल्कि सलमान शरीफ के भी जो है वो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं और वो नैब की जानिब से जारी किए गए हैं। नैब ने जो हमजा शहबाज के साथ साथ सलमान शहबाज के जो है वो भी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी यहाँ पे छापा मारा गया था, लेकिन वो सलमान शहबाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन हमजा शहबाज यहाँ पर मौजूद है जिनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे छापा मारा गया था। और जो जराए ये बताते हैं इनके खिलाफ लॉन्ड्रिंग का जो है वो, और नैब ने जो है बहुत सारा रिकॉर्ड हासिल किया है मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक, जो कि शहबाज शरीफ फैमिली और मेंबर्स से मुतल्लिक था, जो कि गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे और उस वक्त बनाए गए जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और उस वक्त जो है तकरीबन जराए ये बता रहे हैं 85 अरब रुपए से जायद के साथ साथ जो है वो बनाए हैं मुबैना तौर पर, जिसके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग की गई और नैब के पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, हसन हमारे साथ मौजूद रहेगा, मुजाहिद चेक की जानी बढ़ेंगे। मुजाहिद चेक का बताएगा कि अभी भी कारकुनों में वही जोशो खरोश है और उसी तरह से नारेबाजी की जा रही है।